हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए महिंद्रा के कॉमर्शियल शोरूम पे और हमारे पास है महिंद्रा की मैक्स पिकअप 1.7L HD वाला वेरिएंट है ये। ये देखिए, अपने को यहाँ पर इसकी बैजिंग मिल जाएगी HD 1.7L। L का मतलब है लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब है अपने को ये जो पीछे का जो डाला है ये अपने को इसमें लॉन्ग देखने के लिए मिलेगा बाकी वाले वेरियंट से। और यहाँ पे अपने को इसकी ये देखिए बोलेरो मैक्स पिकअप की बैजिंग देखने के लिए मिलेगी, ये देखिए। और सबसे पहले बात करते हैं अपन इसके इंजन ऑप्शन की, तो इसमें अपने को केवल एक ही इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, वो इसका 2523 cc का, मतलब 2523 cc का इंजन मिलता है जो कि पावर जनरेट करता है 80 bhp और 220 Nm का टॉर्क। और बात करते हैं अपन इसके डायमेंशंस की, 5345 mm अपने को इसकी लेंथ देखने के लिए मिलेगी। और विड्थ की बात करें तो ये देखिए अपने को 1700 mm 1700 mm अपने को इसकी विड्थ देखने के लिए मिलती है। और हाइट की बात करें तो ये देखिए अपने को 1800 1800 mm अपने को इसकी हाइट देखने के लिए मिलती है। और केवल जो ये पीछे का डाला मिलता है अपने को, इसकी पेइंग लोड कैपेसिटी है 1.7 टन, मतलब 1700 किलो तक आप इसमें ले जा सकते हैं। और इसकी लेंथ की बात करें तो ये देखिए अपने को 10 फीट का लंबा मिलता है अपने को इसका ये डाला, ये देखिए काफी लॉन्ग मिल जाता है। चलिए इसके फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करते हैं और देखते हैं अपने को महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप 1.7L HD में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। और ये देखिए अपने को यहाँ पर महिंद्रा का ओल्ड लोगो देखने के लिए मिलता है, पुराना वाला लोगो ही देखने के लिए मिलेगा अपने को इसमें अभी भी। और यहाँ अपने को इसकी ग्रिल देखने के लिए मिलेगी, ये देखिए। और यहाँ पर अपने को ये देखिए सिल्वर कलर की फिनिश मिल जाती है, मैट ब्लैक में अपने को इसकी ग्रिल देखने के लिए मिलती है। और हेडलाइट की बात करें तो ये देखिए अपने को रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन हेडलाइट देखने के लिए मिलती है अपने को इसमें, हाई बीम लो बीम यही काम करती है। और यहाँ पे अपने को इसके पार्किंग बल्ब मिलता है, ये देखिए। और कोई भी कोनिंग हेडलैम्प का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इसमें, यहाँ पे अपने को इसका टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, ये देखिए। और बम्पर की बात करें तो ये देखिए बॉडी कलर ही देखने के लिए मिलेगा इसका बम्पर। और इसमें अपने को फॉग लैंप की प्लेसिंग मिलती है, केवल प्लेसिंग मिलती है, फॉग लैंप अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, ये टेपिंग बेस्ड रिफ्लेक्टर मिलता है अपने को, ये देखिए। यहाँ पे टोइंग हुक अवेलेबल है, ये देखिए। और ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट विंडशील्ड की बात करें तो ये देखिए अपने को दो वाइपर्स मिल जाते हैं अपने को इस पर, और यहाँ पे अपने को इसका वॉशर मिलता है। ऐसा कुछ मिलेगा इसका ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल। और ये वाली जो महिंद्रा 1.7 HD L मैक्स पिकअप है, इसमें ये देखिए अपने को 3 सीटर का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं, वैलिड है इसमें 3 लोग। ये देखिए अपने को कंपनी फिटेड स्टिकर मिलता है 3 सीटर। और टॉप स्पीड की बात करें तो अपने को इसमें 80 kmph की मिलती है इसकी टॉप स्पीड, ये देखिए। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पर और चेक करते हैं इसका साइड प्रोफाइल। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये देखिए अपने को 5345 mm अपने को इसकी लेंथ मिलती है। चलिए इसके व्हील से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए अपने को इसमें स्टील व्हील देखने के लिए मिलता है और स्टील किंग का अपने को इसमें व्हील देखने के लिए मिलेगा। और इसके प्रोफाइल की बात करें कि अपने को 7R15 15 इंच का व्हील देखने के लिए मिलेगा अपने को इसमें। फ्रंट व्हील में अपने को डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ये देखिए। और ऐसा कुछ मिलेगा अपने को इसका सस्पेंशन ट्रेवल, ये देखिए। यहाँ पे अपने को इसका टर्न इंडिकेटर अवेलेबल है। बोलेरो मैक्स पिकअप की बेजिंग मिलेगी, ये देखिए। और यहाँ पे हिंजेज मिलते हैं अपने को इसके डोर के, ये देखिए। और यहाँ मिलेगा अपने को इसका ORVM, काफी स्मॉल साइज के मिलते थे, अब ये देखिए अपने को काफी लार्ज साइज के ORVM मिलते हैं। और यहाँ पे लार्ज साइज की विंडो अवेलेबल है, डोर हैंडल मिल जाता है अपने को इसमें मैट ब्लैक में, यहाँ पे की होल मिलता है, ये देखिए। और यहाँ पे HD 1.7L की बेजिंग मिलेगी, L का मतलब है लॉन्ग, ये जो अपने को पीछे वाला डाला मिलता है ये अब अपने को इसमें लॉन्ग मिलता है। और इसकी लेंथ की बात करें तो 10 फीट का मिलता है अपने को इसका डाला, ये देखिए। और इसमें अपने को काफी हिंजेस देखने के लिए मिलते हैं ताकि ये काफी आसानी से ओपन हो सके और थोड़े स्ट्रॉन्ग रहे, ये देखिए। और तीनों तरफ से ओपन होता है ये देखिए। यहाँ पे अपने को 1, 2, 3 और 4 हिंजेस देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ मिलता है अपने को इसका फ्यूल फिलर कैप, जिसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 57 लीटर। और ARI माइलेज की बात करें तो 13 kmph के अपने को इसमें ARI माइलेज मिल जाती है, ये देखिए। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये देखिए अपने को 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर ये देखिए अपने पास 40 स्टेप अवेलेबल है अंदर जाने के लिए, ये देखिए। और फ्रंट में अपने को 7 लीप्स वाले ये देखिए कमानी पट्टी देखने के लिए मिलेंगे, और रियर में अपने को 9 लीप्स वाले कमानी पट्टी देखने के लिए मिलते हैं, ये देखिए। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल पे और चेक करते हैं इसका रियर प्रोफाइल। मिलता है अपने को इसका रियर प्रोफाइल, यहाँ पे अपने को महिंद्रा का बेजिंग मिलेगी, ये देखिए। और यहाँ पे अपने को रिफ्लेक्टर एक टेपिंग मिलेगी, और यहाँ पे अपने को इसकी टेललाइट्स मिल जाती है, ये देखिए। यहाँ पर अपने को इसकी ब्रेक लाइट मिलेगी, रिवर्स लैम्प, और यहाँ पे इसका टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। रिफ्लेक्टर भी अपने को छोटा सा इसी में इंटीग्रेटेड मिलता है, ये देखिए। और 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल है इस पर, और 2 हिंजेस मिल जाते हैं अपने को, ये देखिए। और यहाँ पे इसको लॉक करने के लिए मिल जाता है यहाँ पर, ये देखिए। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये देखिए अपने को लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल भी सेम मिलता है राइट हैंड साइड की जैसे। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं इसका। और अंदर जाने से पहले एक बार आपको इसकी की दिखा देता हूँ, ये देखिए अपने को दोनों की ऐसी देखने के लिए मिलेगी, नॉर्मल की मिलेगी, कोई भी सेंटर लॉकिंग अवेलेबल नहीं है इसमें। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और की को इंसर्ट कर देते हैं एक बार, ये देखिए। और डोर
और ऐसा कुछ मिलेगा अपने को इसका ड्राइवर साइड डोर। ये देखिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल है और यहाँ पे रोल विंडो को रोल अप रोल डाउन करने के लिए लीवर मिलता है, डोर को ओपन करने के लिए लीवर मिलेगा। और ये देखिए अपने को इसमें टर्बोचार्ज इंजन देखने के लिए मिलेगा और कुछ वार्निंग्स मिल जाती है अपने को इसमें। ये देखिए आप देखते हैं इसकी ड्राइवर साइड सीट और ये देखिए एकदम फैब्रिक का पोस्ट ही मिलेगी अपने को इसकी ड्राइवर साइड सीट पे, कोई भी लेदर वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। लेकिन इसमें अपने को तीन लोग बैठ सकते हैं इसमें। ये देखिए अपने को सर्टिफाइड मिलती है ये थ्री सीटर, उसका स्टिकर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए और सीट के एडजस्टमेंट की बात करें तो ये देखिए आप रिक्लाइन के लिए यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और रीच के लिए यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अपने को इसका हेड टाइप लेवलर मिलता है। और स्टीयरिंग की बात करें तो ये देखिए एकदम अपने को सर्कुलर स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ग्रे कलर की फिनिश मिल जाती है। अब इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं और ये इसका ऑडोमीटर मिलता है लेफ्ट हैंड साइड। अपने को इसका आरपीएम मीटर मिलता है जिसमें अपने को 4000 तक की मार्किंग मिलती है। और यहाँ पे अपने को इसका फ्यूल मीटर मिलेगा, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे मिलता है अपने को इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें अपने को ये देखिए स्पीड, टोटल किलोमीटर ड्रिवन, ट्रिप ए, ट्रिप बी, टाइम वगैरह शो हो जाता है। और यहाँ पे अपने को वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे और राइट हैंड साइड अपने को इसके हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं। ये देखिए और ऐसा कुछ मिलेगा अपने को इसका इंटीरियर, इसको ड्यूल टोन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अपने को मैट ब्लैक मिलेगा और यहाँ पे अपने को ब्राउनिश, ये देखिए लाइट ब्राउन कलर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे अपने को इंफरटेनमेंट के लिए प्लेस मिल जाती है, आप आफ्टर मार्केट इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस और यहाँ पे अपने को स्टोरेज स्पेस काफी मिलते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और यहाँ मिलता है अपने को इसका ग्लव बॉक्स। ये देखिए आप इसमें भी काफी ज्यादा सामान रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल और यहाँ मिलता है अपने को इसका सनसेट। ये देखिए यहाँ पे मिलता है इसका IRVM। इसमें अपने कोई भी डे नाइट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं मिलता। यहाँ पे कॉपी सिंगर के लिए मिल जाता है। ये देखिए कोई भी इस पे मिरर वगैरह अवेलेबल नहीं है। चलते हैं बाहर और चेक करते हैं इसका इंजन। और ये देखिए यहाँ पर अपने को इसका 2523 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलता है जो कि पावर जनरेट करता है 80 BHP और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये देखिए और इसकी वारंटी की बात करें तो अपने को इसमें 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी प्रोवाइड करती है। ये देखिए चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।